पॉपुलर मोस्ट डिमांडिंग शो बिग बॉस सीजन 13 एक बार फिर से टॉक ऑफ द टाउन बन गया है, क्योंकि शो अपने कुछ कंटेस्टेंट्स को लेकर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शी से जुड़ा हुआ है। मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 13 जिसे होस्ट करते हैं सलमान खान, वो भी ये सुनकर हो जाएंगे हैरान, क्योंकि इस वक्त सलमान खान घिर गए हैं सवालों पर। असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच बायस्ड होने को लेकर, जिन्हें कहा जा रहा है ट्विटर यूजर के माध्यम से असीम रियाज के सपोर्टर्स, जो सलमान खान को अपने निशाने पर ला चुके हैं। अब तक आपने ट्रॉलर्स को देखा होगा, अब तक आपने असीम के सपोर्टर्स को देखा होगा, असीम के फैंस को देखा होगा जो सलमान को अपने निशाने पर लाते ही रहते हैं। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट हम लाए हैं आप सभी के बीच, इस रिपोर्ट में आप जानकर हो जाएंगे हैरान, क्योंकि इस बार सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 13 में असीम रियाज के सपोर्ट में आने वाली कोई उनकी फैन नहीं, कोई आम नहीं, बल्कि एक बड़ा चेहरा है। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की एक बहना है जिन्होंने असीम के सपोर्ट में खुलकर लताड़ा है सिद्धार्थ शुक्ला को। सिद्धार्थ के लिए एक बुरी खबर यह है कि सिद्धार्थ निशाने पर आ गए हैं। जय भानुशाली ने इससे पहले अपना गुस्सा निकाला था सिद्धार्थ पर, तो अब एक बफर से गुस्से का सामना सिद्धार्थ को करना पड़ेगा, जिन्हें गुस्से का अटैक टीवी शो बिग बॉस सीजन 13 में लगातार आता रहता है। लेकिन असीम के साथ हो रहे जाति को लेकर कहा जा रहा है कि ट्विटर यूजर समझते हैं, जो असीम के सपोर्टर्स ये समझते हैं कि असीम के साथ शो में सही नहीं हो रहा है और उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे में कश्मीरी मॉडल असीम रियाज के फैन क्लब्स की बात की जाए या फिर बात की जाए प्रियंका की, उस बहन की, उस कजन की जिसने किया है सपोर्ट, वो क्या कहती हैं ये आप जानेंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। देखिए रिपोर्ट। कलर चैनल के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 13 को लेकर जो हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा चोपड़ा के उस ट्वीट के बारे में, जिसमें उन्होंने असीम रियाज के सपोर्ट में गुस्सा ना सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला पर निकाला बल्कि सलमान खान को भी टैग कर दिया। ट्विटर पर सलमान खान टैग किए गए हैं और उन्हें टैग कर मीरा चोपड़ा ने लिखा, असीम रियाज फैन शुड टैग दिस वीडियो टू सलमान खान एंड कीप टैगिंग इट। सिद्धार्थ शुक्ला owes an explanation for his dirty remark and this time sorry should not be enough. Make it a point. दरअसल फरहान असीम नाम के ट्विटर यूजर ने एक पोस्ट शेयर किया था बिग बॉस सीजन 13 के लेटेस्ट टेलीकास्ट एपिसोड का, जिसमें उन्होंने लिखा, दिस इज जस्ट वेरी डिस्गस्टिंग, शो दिस टू सलमान सर, अगर ये चीज असीम ने बोली होती तो कसम से जीने ही नहीं देते उसको, वाह, स्टॉप बुलिंग असीम, बिग बॉस सीजन 13 बायस बिग बॉस, जस्टिस फॉर असीम, स्टॉप बुलिंग असीम। इस तरह के टैग्स को शेयर किया गया जिस पर मीरा का भी गुस्सा निकला है सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ। जय भानुशाली ने इससे पहले लिखा था कि यहाँ पर इतने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग सिद्धार्थ शुक्ला ने किया, उन्हें कंट्रोल में रखने की जरूरत है, उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। वो सपोर्ट में असीम के इसलिए आए हैं क्योंकि वाकई में यहाँ पर बिग बॉस सीजन 13 उनका कोई परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के परिवार जैसे हैं और असीम का ऐसा कुछ भी नहीं है। मीरा चोपड़ा के ट्वीट के सामने आने के बाद शिवा घोष नाम के एक शख्स ने थैंक्स मैम लिखा और उन्होंने लिखा, वेयर इज जस्टिस सलमान सर, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर असीम। इतना ही नहीं, मीरा के ट्वीट को शेयर करते हुए मीरा ने खुद जवाब में लिखा, क्लियरली सेड दैट यू वुड ओपन द डोर फॉर शुक्ला, सलमान खान को लेकर यहाँ लिखा गया, लेकिन सलमान सर सिद्धार्थ को बाहर करें। और इस तरह की आपत्तिजनक कमेंट्स जो है सिद्धार्थ शुक्ला के हैं, ये बाहर होने चाहिए अंदर नहीं, ये कहना है सलीम खान नाम के भी एक ट्विटर यूजर ने यही लिखा कि सलमान खान को यहाँ पर अब जवाब देने की ज़रूरत है। इसी तरह से कमेंट्स तमाम आए हैं असीम के सपोर्ट में, जिसे आप पढ़ सकते हैं और देख ही सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया है असीम को। सलमान खान को जवाब देनी ही पड़ेगी और शो में क्राई बेबी सिड का कारनामा देखने के बावजूद एक्शन न लेना कहीं ना कहीं गलत माना जा रहा है। 650 करोड़ रुपए सलमान खान को किस लिए मिलते हैं ये भी सवाल कर रहे हैं एक ट्विटर यूजर सलमान पर, जो कि एक्शन नहीं ले रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ, इस वजह से गुस्सा निकला है। यहाँ पर पवन नाम के भी एक ट्विटर यूजर ने भी यही कहा, सलमान भाई शुड गो समथिंग रियली दिस टाइम, You should do something really, क्योंकि मीरा चोपड़ा इस बार बिल्कुल सही है। Well, सुना आपने, जाना आपने, मीरा
चोपड़ा से लेकर हमने बात की यहाँ पर जय भानुशाली तक की, और तो और असीम रियाज के फैंस तक की, जिन्होंने अपनी तरफ से ट्विटर पर ये जो पोस्ट शेयर किए उससे सलमान को जवाब देना ही पड़ेगा, ये उनका कहना है। वक्त हो गया है दोस्तों अब आपसे यहीं पर इजाजत लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही लेटेस्ट गॉसिप्स बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी लेकर आपके बीच। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें, और क्या असीम के सपोर्ट में हैं आप या फिर सिद्धार्थ शुक्ला आपको लगते हैं समी, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।